नहीं किया है मोनू, तो क्या लगता है कि आने वाले मैच में वो एक मैच विनिंग पारी खेलेंगे? यार लिटन दास से बड़ी आस थी, और क्योंकि उनका नाम जिस तरीके का था, उनका जो फॉर्म जिस तरीके का था, और हमें लगा था कि और ओपन करेंगे और इस टीम के लिए रन बनाएंगे, लेकिन आज उन्होंने बड़ा निराश किया है। देखिए बिना खाता खोले आउट हुए, और साथ ही साथ एक अच्छी पारी आई, ये आई है इनके बल्ले से। ये देखिए मुशफिकुर रहीम, इन्होंने 66 रन बनाए, 75 गेंदों का सामना किया, 88 का जो स्ट्राइक रेट था, 6 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, लेकिन वो टुकड़ों में पारियां आई अंकिता, वो बड़ी पारी नहीं आई यार जिसकी उम्मीद थी, क्योंकि अगर वो ऐसी पारी आती तो फिर ये टीम जो है अच्छा स्कोर खड़ा करती। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए जो अच्छी गेंदबाजी हुई, ये देखिए मिशेल सैंटनर, हालांकि स्पिन डोमिनेटिंग विकेट था, अखिल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिल, 10 ओवर 31 रन 1 विकेट, कैसे देखते हैं उनकी बॉलिंग? मोनू पूरे टूर्नामेंट में कमाल किले में नजर आए हैं, पिछले मुकाबले में 5 विकेट लिए थे, आज 1 विकेट लिया, और ओवरऑल अब तक टूर्नामेंट में इनके 8 विकेट हो चुके हैं, लीडिंग विकेट टेकर है। दूसरे नंबर पर मैट हेनरी आते हैं, जिन्होंने भी प्रभावित किया, अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट उनके खाते में आए। लॉकी फर्ग्यूसन आज के न्यूजीलैंड के सबसे बड़ी हाईलाइट रहे हैं, 10 ओवर 49 रन 3 विकेट इनको मिले, 5 से भी कम का इनका इकोनॉमी था, चाहे ट्रेंट बोल्ट की बात हो, लॉकी फर्ग्यूसन की बात हो, इस टीम का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वाकई में अंकिता बहुत मजबूत है। बिल्कुल, और आज वो मजबूती यहाँ पर देखने को मिली। लॉकी फर्ग्यूसन जो आईपीएल भी खेलते हैं, हमने देखा कि वहां पर भी वो कमाल की गेंदबाजी करते हुए नजर आए केकेआर के लिए, और आज अपनी टीम के लिए उन्होंने अच्छा योगदान दिया। अब उम्मीद है कि बल्लेबाजी भी अच्छी हो अखिल, क्योंकि बल्लेबाजी अगर आपके यहाँ पर सटीक नहीं हुई तो बांग्लादेश जो है वो अपना ये दूसरा मुकाबला जीतेगी, क्योंकि शायद पहला मुकाबला वो श्रीलंका के साथ था, वो वहां पर जीती थी बांग्लादेश की टीम, और अब ये मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ चेपॉक स्टेडियम में जो है वो खेला जा रहा है। एक स्कोर जो है वो 245 का इधर 46 का मिल गया है टारगेट, मतलब 245 रन जो है वो बांग्लादेश की टीम ने बनाया, 246 का रन चेस करना है। मुश्किल है थोड़ा सा, आपको क्या लगता है कि आसानी से हो जाएगा रन चेस? आसानी से हो जाएगा, क्योंकि डेविन कॉनवे है, लोकल बॉय है, चेन्नई के लिए आईपीएल खेलते हैं, और इसी मैदान पर उनको चेस करने के लिए उतरना है। जो प्लस पॉइंट आज कीवी टीम का है वो है केन विलियमसन, वो वापस आ चुके हैं, वार्म अप मैचेस दोनों खेले थे, 50 प्लस का स्कोर किया था। मोनू, जब आपके पास केन विलियमसन जैसा बल्लेबाज हो, खैर आपको एक अपडेट दे देते हैं, वर्ल्ड कप में मुशफिकुर रहीम ने अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं, आज बड़ी कमाल की पारी, 75 गेंद 66 रन, 88 का स्ट्राइक रेट, 6 चौके 2 छक्के, मोनू 2007 से वर्ल्ड कप खेल रहा है, एक्सपीरियंस इनके पास है, लेकिन आपको नहीं लगता जो शुरुआत इनको मिली थी, 66 रन बनाए लेकिन बीच मझधार में टीम को छोड़कर चले गए। यार बांग्लादेश की यही सबसे बड़ी कमी है, कह लीजिए सबसे बड़ा वीक लिंक है इस टीम के पास, ना खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने 5-5 वर्ल्ड कप खेले, शाकिब उल हसन है, मुशफिकुर रहीम है, लिटन दास है, अनबो है, लेकिन वो टुकड़ों में इनिंग आती है, वो इंडिविजुअल स्कोर आते हैं, जब आप एज ए यूनिटी परफॉर्म करते हो ना तो ये टीम निखर कर आती है। लेकिन इस टीम में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बड़ी पारी जो टॉप 3 है ना, जैसे इंडिया का टॉप ऑर्डर बहुत सेट है, तो वैसा टॉप ऑर्डर इनका सेट नहीं है यार, ऊपर नीचे मेहदी हसन मिराज को हमने देखा, एक बार उन्होंने नंबर 5 खिलाया, फिर नंबर 3 खिलाया, कभी ओपन, सो आई थिंक वो एक इशू रहा है इनके साथ। और लिटन दास की हमने बात की, देखिए वो भी 0 पर आउट हो गए। अब 246 बनाने हैं, बांग्लादेश ने जो टारगेट दिया न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड इन कंडीशंस में अच्छा खेलता, डेविन कॉनवे उनके पास है, चेन्नई का विकेट है, अखिल कैसे देखते हैं आप, आसानी से बन जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है इस मैच में? मोनू आसानी से बन जाएगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बांग्लादेश के पास उस तरह की गेंदबाजी नहीं है, गहराई उनकी गेंदबाजी में नहीं है, एक शाकिब उल हसन है जिनके पास एक्सपीरियंस है, मुस्तफिजुर रहमान उस लैब में नजर नहीं आए हैं, और जिस तरीके की बल्लेबाजी अभी तक न्यूजीलैंड की ओर से देखने को मिली है, डेविन कॉनवे, केन विलियमसन, रचिन रविंद्र, तो आसानी से टारगेट चेज होने वाला है, 246 चेज करने शायद 40 ओवर तक न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाएगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक विकेट भले गिर सकता है, लेकिन हमने रचिन रविंद्र की साझेदारी कॉनवे के साथ देखी थी, वो कमाल की थी, और आज भी वो उसी लय में नजर आएंगे। रचिन रविंद्र ने पिछले मुकाबले में भी अर्धशतकीय पारी खेली थी, और पहला मुकाबला उनका तो यादगार था, शतक लगाया था अपने डेब्यू मैच में ही। और देखिए थोड़ी सी यहाँ पर मैं कहूंगी कि बांग्लादेश की ओर से बल्लेबाजी धीमी हुई है, आपको अगर ओपनिंग साझेदारी आपकी चली नहीं, आपके विकेट गिर गए, तो मिडिल ऑर्डर भी कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाता, हमने इंडिया की तरफ से भी देखा है, अकेला भी 2 मुकाबले में तो उस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला है कि अच्छी वहां पर बल्लेबाजी हुई है, लेकिन हमने सबसे पहला मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया के साथ था वहां पर भी हमारा जो टॉप ऑर्डर था वो निराश किया था, वहां पर मझधार पर नैया पार लगाई थी विराट कोहली और केएल राहुल ने, और पिछले मुकाबले में भी हमने देखा था कि
यहाँ पर अच्छी साझेदारी हुई थी, रोहित शर्मा के बैट से रन निकले थे, ईशान किशन के बैट से रन निकले थे, हर एक खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया था, उसी तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी भी देखने को मिली थी। लेकिन आज के मुकाबले में शायद थोड़ी सी यहाँ पर शांतो की बल्लेबाजी थोड़ी और पार्टनरशिप थोड़ी सी लंबी जानी चाहिए थी। ये 300 का स्कोर हो सकता था, लेकिन तब शायद यहाँ पर न्यूजीलैंड में थोड़ा सा खौफ होता कि ये मुकाबला आर या पार का होता। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए 246 इस विकेट के ऊपर जहां पर गेंद थोड़ा सा ग्रिप करेगा, टर्न करेगा, तो ऐसे में शाकिबुल हसन से बड़ी उम्मीदें होंगी अंकिता, क्योंकि वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं बीच के ओवर्स में। सो आई थिंक अगर डेवन कॉनवे को रोक लिया, वहां ऊपर से विलियमसन आज इस टीम में आए हैं, विलियमसन का कमबैक हुआ है। अंकिता ये एक ऐसे बैट्समैन है जो अच्छा खेलते हैं, लंबा खेलते हैं, डीप तक लेकर जाते हैं गेम को। सो विलियमसन को कैसे आउट करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। और इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इस वक्त आप भी बताइए कि आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल टास्क होगा ये न्यूजीलैंड के लिए, आपको लगता है कि यार थोड़ा मैच फंस सकता है लास्ट में आकर, आप भी बताइए क्या स्कोर अच्छा है, इनफ है, या थोड़ा कम रहेगा 20-25 रन, आई थिंक मेरे ख्याल से तो 30 रन शॉर्ट रहेगा यार, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप मतलब 290 का आंकड़ा हो सकता था, इवन 300 का भी आंकड़ा वहां पर हो सकता था अगर यहाँ पर साझेदारी शांतो की अच्छी होती। लेकिन मैं कहूंगी कि न्यूजीलैंड इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगी, क्योंकि उनके पास वो बैटिंग ऑर्डर है। हमने देखा कि रचिन रविंद्र और ड्वेन कॉनवे की साझेदारी कमाल की देखने को मिली है। इसके अलावा भी अभी देखिए केन विलियमसन भी अपनी टीम का हिस्सा हो गए हैं। और हमने देखा है कि आईपीएल हो या फिर न्यूजीलैंड का मुकाबला, आपको याद हुआ होगा वो वर्ल्ड कप में जो हार मिली थी उन्हें, वहां पर कमाल की कप्तानी की थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये मोनू है कि हर इस वाले वर्ल्ड कप में बहुत सारे कैप्टन चेंज हुए हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ऐसी टीम है जहां पर उनके कप्तान बदले नहीं है। जो पहले 2019 में कैप्टन थे, वही इस बार वो कप्तानी कर रहे हैं, केन विलियमसन ही कर रहे हैं। और आज उनका ये पहला मुकाबला है और उनके बैट से भी अच्छे खासे रन आपने देखे होंगे कि आईपीएल हो या फिर अपने सीरीज के मुकाबले हो, वहां पर भी केन विलियमसन के बल्ले से रन निकलते हैं। यहाँ पर मैचेस में दोनों में 50 थी केन विलियमसन की, जिस तरह की उनकी बल्लेबाजी रहे, नंबर वन बल्लेबाज वो माने जाते हैं। आज मुझे बड़ी उम्मीद है, मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि डेविन कॉनवे शानदार फॉर्म में, रचिन रविंद्र उन्होंने करके दिखाया, मिडिल ऑर्डर को जो मौका मिला चाहे टॉम लाथम हो, उन्होंने रन बनाए हैं। लेकिन आज केन विलियमसन का टेस्ट होने वाला है, क्योंकि मुनु कीवी टीम ने दोनों मुकाबले जीत लिए अपने शुरुआती, और आज तीसरा मुकाबला है, आज भी इनको जीत का फेवरेट माना जा रहा है। धीरे धीरे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, आपको इंडिया से भी खेलना है, साउथ अफ्रीका से भी खेलना है, पाकिस्तान से भी खेलना है, ऐसे में केन विलियमसन की फॉर्म न्यूजीलैंड के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, और देखिए आपने बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए लगातार 3 मैच जब आप जीत जाओगे तो फिर वो ना वो पॉइंट्स टेबल दिखने लग जाती है, इस टीम को उम्मीदें लगने लग जाती है कि हम टॉप 4 में पहुंच गए हैं। और न्यूजीलैंड तो बहुत अच्छी टीम है, और हमारे रूपम जी भी उन्होंने भी यही कहा है, जो हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ऑलवेज डेंजरस साइड है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, और इंडिया को तो बड़ा परेशान करती है टीम, और इंडिया को सावधान रहना होगा न्यूजीलैंड से, सावधान रहना होगा बिल्कुल। और देखिए लेकिन अखिल 245 बने हैं, उस तरफ से शतक नहीं आया, आप 246 टारगेट चेज करेगा न्यूजीलैंड, आपको लगता है टॉप ऑर्डर में विलियमसन है, ग्लेन फिलिप्स हैं, आपके रिसन रविंद्र जिनकी उन्होंने बात की, कोई 100 देखते हैं आप? डेविन कॉनवे, क्योंकि यार होम ग्राउंड है उनका, चेन्नई के लिए खेलता है, मुझे डेविन कॉनवे से बड़ी उम्मीद है। और जिस तरीके की फॉर्म उनकी रही है इस साल, 3 शतक लगा चुके हैं वनडे में, तो मुझे लग रहा है कि डेविन कॉनवे का 100 आने वाला है। डेफिनेटली हमने देखा था कि जो पहला मुकाबला था वहां पर साझेदारी कमाल की थी ड्वेन कॉनवे और रचिन रविंद्र की, तो आज मैं चाहूंगी कि केन विलियमसन के बल्ले से रन निकले, क्योंकि काफी टाइम बाद वो ये मुकाबला खेल रहे हैं, 2 मुकाबले वो नहीं थे और ये मुकाबला अब उनका पहला है, और पहले मुकाबले में वो एक सेंचुरी तो बनती है उनके बैट से। बिल्कुल, और देखिए लेकिन बांग्लादेश के लिए कमबैक कैसे हो सकता है इस मैच में, 246 वो डिफेंड करेंगे इस मैदान पर, जिसमें कि डेवन कॉनवे उनके पास है, एक ऐसी टीम उनके पास है जिनकी स्ट्रेंथ बैटिंग है, उनकी डेप्थ में बैटिंग, आप देख लीजिए मिशेल सेंटनर तक उनकी बैटिंग है, तो ऐसे में वो कैसे रोक पाएंगे न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को, कमबैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा अखिल उनको, मतलब क्या शुरुआत में विकेट लेने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा उनको? शुरुआत में विकेट लेने पड़ेंगे। मनु आपने बड़ी सही बात कही कि बैटिंग उनकी बल्लेबाजी में बहुत गहराई है, मैट हेनरी बल्लेबाजी कर देते हैं, ट्रेंट बोल्ट का भी बल्ला कभी कभी चल जाता है, तो बांग्लादेश को अगर मुकाबला जीतना है, बने रहना है, फाइट करना है, तो टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करना होगा न्यूजीलैंड के, क्योंकि सभी शानदार फॉर्म में है। डेविन कॉनवे की विकेट लेना, विलियंग पिछले मैच में उनका भी 50+ स्कोर आया था, 70 उन्होंने किए थे 80 गेंदों में, तो बांग्लादेशी गेंदबाजों के लिए काम आसान नहीं होने वाला है। अगर उनको मैच जीतना है, शुरुआत से ही पहली बॉल से चार्ज करना पड़ेगा न्यूजीलैंड को। बिल्कुल, यहाँ पर रूपम जी कह रहे हैं कि 22 अक्टूबर को इंडिया का असली टेस्ट होगा वर्सेस न्यूजीलैंड। सर बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए तो वैसे ही टेस्ट होने वाला है। बिल्कुल, तो लेकिन फिर भी यार इंडियन टीम भी कमाल की फॉर्म में नजर आ रही है। हाँ, पहला मुकाबला जो था वहां पर शायद वो पिच को या गेंद को समझ नहीं पाए थे, लेकिन उसके बाद से वो गलती वहां पर देखने को नहीं मिली है। अब देखिए उम्मीद है कि
आज का मुकाबला जो है वो ये रोमांचक मुकाबला देखने को मिले, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा मुकाबला नहीं था जो एक तरफा नहीं हुआ, हर एक मुकाबला एक तरफा हुआ है। और हम चाहेंगे कि आज जो है वो केन विलियमसन के बल्ले से एक शतक के पारी देखने को मिले, क्योंकि न्यूजीलैंड के हर एक बल्लेबाज ने अपना अच्छा योगदान दिया है मोनू, और गेंदबाजी भी कमाल की हुई है। ट्रेंट बोल्ट जो है वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते नजर आए थे, लेकिन उनके उनके बल्ले से भी रन निकलता है, तो आपने कहा ना कि उनकी जो निचले क्रम की बल्लेबाजी है वो भी अच्छी बल्लेबाजी वो कर लेते हैं, तो बस यही है कि आज के मुकाबले में वो अच्छा खासा स्कोर देखने को मिले, और शतकीय पारी तो मेरे हिसाब से आने ही वाली है किसी न किसी बैट्स। बिल्कुल, और देखिए अंकिता हमारे साथ, बहुत बार हमने इंडिया पाकिस्तान का मैच था, हालांकि उस दिन भी हमने इनसे पूछा था कि कितने ओवर में चेज हो जाएगा टारगेट, तो हम सबकी तीनों की प्रेडिक्शंस आई थी, लेकिन आज भी इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि यार बांग्लादेश क्या 246 रन को डिफेंड कर पाएगा। बांग्लादेश के लिए दो चीजें हैं, आपको विकेट भी लेने हैं और रन भी बचाने हैं, है बड़ा टफ टास्क उनके लिए, लेकिन कितने ओवर में? मेरे लिए तो मुझे लगता है कि यार 35 ओवर में, जैसे उस दिन अफगानिस्तान के साथ बोला था मैंने, और 35 ओवर में एग्जैक्ट चेज हो गया था टारगेट। अंकिता कितना लगता है? देखिए अगर मैं कंपेयर करूँ न्यूजीलैंड की गेंदबाजी और बांग्लादेश की, तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड सबसे बेहतर नजर आता है, तो मैं चाहूंगी कि 40 ओवर तक चलेगा शायद ये मुकाबला, क्योंकि इतना कम नहीं आ सकते बांग्लादेश की टीम को। हमने देखा है कि वो भी कई सारे मुकाबले, श्रीलंका के साथ जो मुकाबला था वहां पर जीत कर आ रही है, तो बस वही है ना कि आज गेंदबाजी अच्छी हो जाए, कप्तान साहब अच्छी गेंदबाजी भी कर दें, बल्ले से तो चलिए रन निकले हैं उनके थोड़े बहुत, लेकिन बॉलिंग भी अच्छी हो जाए, तो मतलब सोने पर सुहागा हो जाए। मुझे भी लग रहा है 40 ओवर तक न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाएगा, और ड्वेन कॉनवे की 100 आएगी देखने को मिलेगी। डेवन कॉनवे का 100 और 40 ओवर में, यार मैं दो बात बोल सकता हूँ, पहली 35 ओवर तक, और दूसरा है मेरा ये, अरे एक 35 ओवर का तो मतलब टारगेट चेंज हो सकता है, और नंबर टू मेरी चीज ये है कि पता नहीं, अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आज बांग्लादेश बड़ा लौटफेर कर दे 245 में। पहाड़ा पढ़ के आते हैं वो लोग हर बार 35 35 35, टारगेट इतना दिया आपने यार 280-290 हो तो फिर भी चलो उम्मीद लगती है। अब यहाँ से देखिए दो चीजें हैं, अगर डेवन कॉनवे ने अच्छा स्टार्ट दिया 35 ओवर में चेंज हो जाएगा, अगर अगर बांग्लादेश ने 10 ओवर में जो पावर प्ले में अगर उन्होंने 2 विकेट या 3 विकेट ऊपर से ले लिए तो फिर मैच फंस सकता है, मुझे ऐसा लगता है इन कंडीशन में, स्पेशली अंडर लाइट्स नहीं फंसेगा जी। तो देखिए अब यहां से टारगेट जो है न्यूजीलैंड के लिए 246 रनों का है, अब न्यूजीलैंड के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल होगा ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन यहां से अखिल जी और अंकिता ने तो प्रेडिक्शन कर लिया कि न्यूजीलैंड आराम से जीत जाएगा, तो आपको क्या लगता है प्लीज आप भी बताइए, अगर अभी तक आपने न्यूज जेसन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और जैसे ही मैच खत्म होगा उसके तुरंत बाद आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले एक चीज मैं अंकिता से जरूर पूछना चाहूंगा कि यार ठीक है हमने, आपने न्यूजीलैंड को तो पिक कर लिया कि 100 उनका आएगा, बांग्लादेश के लिए कौन ऐसा गेंदबाज है जो विकेट लेगा? मुस्तफिजुर रहमान है वहाँ, शकीबुल हसन है, मेहदी हसन है, किसको पिक करेंगे आप? मैं कप्तान को ही लूंगी शकीबुल, शाकिब डेफिनेटली, हमने देखा है कि बैट से भी आज कमाल की फॉर्म, कमाल की तो नहीं कहेंगे फिर भी एक अच्छा खासा स्कोर निकला है उनके बल्ले से भी, तो उम्मीद है कि आज गेंदबाजी भी अच्छी हो, और देखिए मैं चाहूंगी कि न्यूजीलैंड को